सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. What stocks are going down? Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 16 जुलाई 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:27 हो रहे हैं. दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का. कल हमने देखा कि वीक की शुरुआत काफ़ी नरम रही, ना ही स्ट्रांग अप मूव दिखाई दिया या फिर ना ही स्ट्रांग डाउन ट्रेंड दिखाई दिया. तो आज क्या हो सकता है निफ्टी इंडेक्स में, ये आइडेंटिफाई करेंगे. कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं ये देखेंगे. और काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में उनको टेक्निकल व्यू जानना है, तो उसका भी एनालिसिस करेंगे. लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 15 जुलाई आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आए बटन में आपको मिल जाएगा. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,583 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,536. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. तो कल सुबह निफ्टी ओपन होते ही हमारा ये जो सेकंड टारगेट था 11,615, इसके पास ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और यहाँ से टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करने लगा, नीचे की तरफ. और हमारा ब्रेकडाउन लेवल जो था यहाँ पर ही इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, ये ब्रेक नहीं हुआ. अगर ये ब्रेक होता कंफर्टेबली तो और नीचे ये जा सकता था, लेकिन जो हमने ब्रेकडाउन लेवल मार्क किया था एग्जैक्ट उसी के पास इसने दो बार यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया और एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जैसा पैटर्न यहाँ पर बनाया और ऊपर की तरफ ये फिर से बाउंस बैक दिखा. हालांकि लास्ट हाफ एन आवर जो बचा था इसमें इसने ब्रेकआउट लेवल ब्रेक किया, लेकिन लास्ट हाफ एन आवर जब भी बचा होता है तभी कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट नहीं करता. तो यहाँ पर कल इस प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. क्विकली ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नास्डैक हरे निशान में बंद हुए, पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए. और यूरोपियन बाजार भी देखें तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज मार्केट 166 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. चाइना मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है और हांगकांग मार्केट 4 पॉइंट एक मामूली इसी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर देखें तो अभी हरे निशान में है, 16 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है. और एसजीएक्स निफ्टी 11 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद रिलायंस के चार्ट के ऊपर जाएंगे और रिलायंस का जो चार्ट हमें क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स सजेस्ट कर रहा है ये देखेंगे. ये निफ्टी का वीकली चार्ट है. यहाँ पर हमने इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था. कैसे, ये जो लाइन चार्ट है इसका बॉटम को पकड़ के हमने ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया था. अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मिल गया है, लेकिन ये 20 EMA जो ये पिंक लाइन है यहाँ पर ये सपोर्ट स्ट्रांग सपोर्ट टेस्ट कर रहा है. देखना ये होगा कि इस वीक ये जो 20 EMA का सपोर्ट है ये ब्रेक करता है या नहीं. अभी फिलहाल ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसके बाद में ये फिर से बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक. तो कंफर्मेशन है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन अभी ये 20 EMA एक हर्डल है और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये बढ़ेगा नहीं जब तक इस 20 EMA को ये कंफर्टेबली ब्रेक नहीं करता टूवर्ड साउथ की तरफ. तो ये अभी फिलहाल वीकली चार्ट का सिनारियो है. चलते हैं डेली चार्ट में. ये है डेली चार्ट. अभी ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है ये कुछ दिनों से जबरदस्त यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट हाई इसके ट्रेंड लाइन के पास ही ये एग्जैक्ट हाई बना रहा है और नीचे ये 100 EMA जो है 100 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है. इस रेंज के बीच में ये ट्रेड हो रहा है. इनडिसिजिव पैटर्न है ना, बुल्स जीत रहे ना बेयर्स जीत रहे, तो यहाँ पर कंफ्यूजन है.
इस ट्रेंड लाइन को या फिर ब्रेक करना होगा या फिर नीचे 100 ईएमए को ब्रेक करना होगा। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ऊपर एक हर्डल आ सकता है मूविंग एवरेजेस का 20 ईएमए और 50 ईएमए, ये अराउंड अभी 11,700 के करीब है। तो ये 11,700 ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और नीचे ये जो 100 ईएमए है और 100 एसएमए की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट 11,450 के पास आ रहा है। तो ऊपर 11,700 और 11,450 नीचे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो ये डेली चार्ट का सीनारियो अभी फिलहाल हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है लास्ट डे, तो देखना ये होगा कि यहाँ से बाउंस बैक आता है या नहीं। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर टुवर्ड्स साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो कल का लो इसे ब्रेक करने दीजिए, यानी ऑलमोस्ट 11,532 ये जो लेवल है ये ब्रेक होने दीजिए। उसके पहले S1 का पिवट पॉइंट का लेवल भी था, 20 EMA का सपोर्ट लेवल है, तो ये ब्रेक होने दीजिए। मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, कंफर्टेबली इसके नीचे सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट एक क्विकली टारगेट होगा अराउंड 11,520, ये हमारा एक क्विकली टारगेट होगा। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 11,494, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो कल का ये जो हाई है ये पहला तो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक स्विंग हाई बना रहा है, तो वो स्विंग हाई एग्जैक्ट इस 50 ईएमए के पास आ रहा है। यहाँ पर ही पिवट पॉइंट का R1 का भी लेवल आ रहा है। तो इन सब हर्डल्स को कंप्लीट पार करने दीजिए, ब्रेक करने दीजिए, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। यानी 11,627 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,652, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,692, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, काफ़ी लॉन्ग है इंट्राडे लेवल्स, तो जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करना की कोशिश यहाँ पर करनी काफ़ी ज़रूरी है। चलते हैं अभी रिलायंस के स्टॉक के ऊपर। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि रिलायंस के स्टॉक के बारे में व्यू आपका बताइए। तो ये मंथली चार्ट है, यहाँ से मंथली चार्ट सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं अभी ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर RSI और इस प्राइस एक्शन को अगर हम कंपेयर करें, मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है एक बियरिश कन्वर्ट डाइवर्जेंट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। ये प्राइस एक्शन यहाँ पर हायर हाई बना रहा है और ये RSI यहाँ पर लोअर हाइज बना रहा है, तो ये बियरिश डाइवर्जन है RSI का। हो सकता है यहाँ से और भी फॉल हमें दिखाई दे, और अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा 11,036, यानी ये 20 EMA आप यहाँ देख सकते हैं 11,036, ये फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट होगा। बियरिश पैटर्न बनाए, डाइवर्जन बनाए RSI का प्राइस एक्शन में, और अभी ये जो अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है, मंथली चार्ट है ये रिलायंस का, तो 2015 के दिसंबर में जब भी रिलायंस जियो यहाँ पर लॉन्च हुआ था तब ये अपसाइड मूव यहाँ से शुरू हुई थी और ये ज़बरदस्त इसने अपसाइड मूव दिखाया। हालांकि बीच में एक बोनस भी ये डिक्लेयर हुआ था तभी ये स्टॉक स्प्लिट हुआ था। RSI बियरिश पैटर्न दिखा रहा है, बियरिश डाइवर्जन दिखा रहा है। MACD देखे तो अभी इसने काफ़ी दिन के बाद निगेटिव क्रॉस ओवर दिखाया, वो भी मंथली चार्ट में, हायर टाइम फ्रेम के चार्ट में। और ऊपर प्राइस एक्शन देखे तो यहाँ पर लोअर हाइज बन रहे, ये जो लो है इसके नीचे ये सेकेंड मंथ का लो बना है, यानी ये मई का लो था, इसके नीचे ये 3rd June का है, जून मंथ का, और इसके बाद अभी ये जुलाई चल रहा है। तो अगर यहाँ पर ये लोअर हाइज का पैटर्न कंटिन्यूस चलता है तो यहाँ से और भी हमें टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ यहाँ पर 20 EMA का सपोर्ट लेते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें दिखाई दे सकता है। अभी ये मंथली चार्ट का सिनेरियो है, ओवरबॉट स्टॉक यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में चलते हैं,
वीकली चार्ट में अभी यहाँ पर ये मूविंग एवरेज यानी 20 ईएमए जो कि ऊपर 12,086 के पास है और ये 50 ईएमए 12,016 के पास है, तो इन दोनों के बीच में अभी ये लगभग यहाँ पर फिलहाल फंसा हुआ है। ऊपर ये लास्ट 3 वीक से जाने की कोशिश कर रहा है, ये चौथा वीक है, ये 20 ईएमए अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कंटिन्यूस फोर्थ वीक। तो ऊपर 12,086 यानी 1300 पकड़ लीजिए, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, कंफर्टेबली सस्टेन करता है और दो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक अगर फॉर्म होते हैं तो ही लॉन्ग जाने की यहाँ पर कोशिश करे, वरना यहाँ पर अभी मंथली चार्ट में एक बियरिश डाइवर्जन पैटर्न दिखाई दिया आरएसआई का, तो हो सकता है और भी टूवर्ड साउथ की तरफ ये आरएसआई रिलायंस इंडस्ट्रीज को मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो। डेली चार्ट में चलते हैं। डेली चार्ट में आप देख सकते हैं कैसे अभी यहाँ पर ये फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। ये जो फॉल आया है ये कभी ऊपर कभी नीचे ऐसा है, ट्रिमेंडस मतलब काफी स्टीफ नहीं है ये फॉल, तो यहाँ पर फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है। अभी यहाँ पर देखे तो ये जो लेवल है यहाँ पर 1227, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये ब्रेक होता है यहाँ पर से जो लास्ट एक स्विंग लो बना था और टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मुंह दिखाई दिया था, तो यहाँ पर 1227 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ यहाँ से मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो फिलहाल ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज का सिनारियो। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।